मुगल बादशाह अकबर से लोहा लेने वाले वीर योद्धा महाराणा प्रताप को जन्मोत्सव शौर्य यात्रा के रूप में मनाया गया। करणी सेना के तत्वावधान में आयोजित यात्रा और सभा में सामाजिक कुरीतियों और आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, इस पर ध्यान आकर्षण किया गया। आज सुबह 11 बजे नगर के गुरुकुल स्कूल ग्राउंड से राजपुताना ठाट बाट के साथ निकली शौर्य यात्रा में घोड़ों पर धर्म पताका लेकर किशोर राजपुताना अंदाज में बैठे थे। डीजे के साथ निकली शौर्य यात्रा को करणी सेना ने व्यवस्थित संचालन किया, जिसमें शामिल पुरुषों ने राजपुताना साफे बांधे, महिलाएँ भी राजपूती परिधान में नजर आई। महाराणा प्रताप का जय घोष के यात्रा का भाजपा, कांग्रेस और सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। दोपहर 1 बजे यात्रा सभास्थल गुरुकुल स्कूल ग्राउंड पर पहुंची। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। तोमर बासवा, आपके स्वागत के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री सोम सिंह जी चौहान, सनावत बोधगांव। ठाकुर साहब नरेंद्र सिंह जी कोटलेगढ़ी, आपके स्वागत के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे श्री सागर सिंह जी तोमर बासवा। भारत सार को के अपने मन में जानता हूँ, महाभारत सार को मैं निमंत्रण नहीं दूंगा श्री कृष्ण के अवतार को। जानता हूँ अंततः निष्कर्ष यही आएगा, कायर कहेगा विश्व उसको जो युद्ध न कर पाएगा। फिर कल्पना से निकल राणा, देख किरण क्षेत्र को, फिर निरा क्रोध से रक्तिम हुए हर नेत्र को। धरा के दुलार का मार मन में भर चुका था, घाटियों में युद्ध की वो घोषणा भी कर चुका था। तभी सब वीर एक दूसरे के खून के प्यासे बने, धनुष की हर डोर पर तीर भी मानो तरे। इस वेग से शोणित बहा की चौपाई गंदा की नहीं, प्रतिपल वहां पर छट रही थी शत्रुओं की वाहिनी। और पराक्रम से मुगल दल के दांत खट्टे पड़ रहे थे, क्योंकि बिन मुंड के भी क्षत्रिय तलवार लेकर लड़ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इतिहास तो क्या इस पूरे विश्व के इतिहास में मिलना नामुमकिन है। राष्ट्र भक्त और देश प्रेम के लोकनायक महाराणा प्रताप जी के जीवन आदर्श हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनके जो आदर्शों पर हमें चलने के साथ साथ उनके जीवन मूल्यों को भी हमें आत्मसात करना है। महाराणा प्रताप जी हमारे भगवान हैं, क्योंकि मंदिरों में अगर कहीं भगवान हैं तो महाराणा प्रताप जी और शिवाजी महाराज जैसे महापुरुषों की देन है। अगर धर्म और संस्कृति कहीं जिंदा है तो इनके त्याग और बलिदान की वजह से है। मैं आज महाराणा प्रताप जन्मोत्सव के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। और साथ ही आज के दिन हम यह संकल्प करें कि हर जिले में, हर नगर में, हर शहर में महाराणा प्रताप जी की मूर्ति स्थापित हो, और इसके लिए हम सभी राज्य सरकार प्रयास करें। मैं आज हम लोगों ने हमारे पिता महाराणा प्रताप जी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी का जन्मोत्सव को शौर्य यात्रा के रूप में आयोजन किया गया था, जिसमें समस्त राजपूत समाज और राष्ट्रीय समय जिला खरगोन के द्वारा हमारे समाज के सभी वरिष्ठ उसको हमने एक सारे समाजों को, सर्व समाज को आमंत्रित करके ये संदेश दिया कि महाराणा प्रताप जी अकेले राजपूत समाज के नहीं थे, पूरे हिंदू समाज के थे। उन्हीं की जन्म जयंती को हमने सब लोगों के साथ मिलकर, हमारे खंडवा खरगोन जिले के जितने हमारे समाज के वरिष्ठ हैं, उन सबको अतिथि के रूप में बुला के और सारी टीम मिल के शौर्य यात्रा का आयोजन किया। क्या लगता है आने वाले कल के अंदर ये यात्रा और भव्य होगी? आज का जो उत्साह था अपनी टीम का, हम आने वाले सालों में इससे भी बड़े स्वरूप में, बड़े भव्य रूप से हर साल अब आज आपके इस सदन के अंदर बहुत सारे मुद्दे उठे, जैसे कुरीतियाँ हुई हुई, आरक्षण को लेके भी बातचीत हुई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जो समाज की कुरीतियाँ हैं उनको तो दूर करना ही चाहिए, और आरक्षण वाली बात श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना पूरे मध्य प्रदेश में लगातार 5 सालों से आरक्षण आर्थिक आधार पर हो, जिससे हर वर्ग, हर समाज के जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको लाभ मिले। इस लड़ाई को हम लोग लगातार 5 वर्षों से लड़ी रहे हैं, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि उससे हर समाज को, गरीब हर समाज में होते हैं, और उस लड़ाई को हम लोग लगातार जारी रखें जब तक आरक्षण आर्थिक आधार पर ठीक दे को आगे लेकर जाएंगे आप लोग। अभी तो हम श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के नेतृत्व में
आदरणीय जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुखदेव सिंह जी गोगामेडी, मध्य प्रदेश के जीवन सिंह शेरपुर जी के नेतृत्व में आरक्षण की लड़ाई पिछले 5 वर्षों से लड़ रहे हैं, क्योंकि गरीब वर्ग जो है हर जाति में है और गरीबी जाति देखकर नहीं आती और गरीब हर जाति में, तो आर्थिक आधार पर आरक्षण हमारा मुख्य मुद्दा है और पिछले 5 वर्षों से हम लगातार ये लड़ाई लड़ रहे हैं और जब तक कि ये लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता तब तक ये लड़ाई। आरक्षण को लेकर राजनीति होती है, जातिगत आधार के ऊपर आरक्षण किया जाता है, आर्थिक रूप से हमेशा नकारा जाता है। किस तरीके से जिन जातियों को आरक्षण मिल रहा है उनका विरोध भी सहन करेंगे और इसको आप आर्थिक मुद्दों पर तो मैं नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि हम सिर्फ जो हमारे समाज की राजनीति करते हैं और जो हमारे समाज में भी सामान्य वर्ग में भी गरीब है और गरीब वर्ग है, हम उनके लिए स्पेशली लड़ाई लड़ रहे हैं और चाहते हैं कि किसी गरीब को, हर गरीब को अपना अधिकार मिले, हर गरीब के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।